क्या तुमने पढ़ी? दिमाग में कुछ घुसा? हाँ मॉम, पढ़ ली मैंने। और मॉम, अब आप तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मॉम, ना कोई किसी की मॉम है और ना कोई किसी का बेटा, ऐसा गीता में कहा है। बेटा मैं मर जाऊंगी। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। बेटा मजाक मत करो, गोली चल जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो? गीता में लिखा है, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। इसका मतलब आत्मा को ना पानी भिगो सकता है और ना ही कोई तलवार काट सकती है। ना ही आग जला सकती है। किस लिए डरते हो? बेटा अपने भाई बहन के बारे में सोच, अपने रिश्तेदारों के बारे में भी तो सोच, पागल हो गया है क्या? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। संसार के सारे रिश्ते मतलब पे टिके है, ये भी गीता में कहा है। बेटा मुझे मानने से तुझे क्या मिलेगा? अगर इस धर्म युद्ध में आप मारे गए तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी और मुझे संपत्ति प्राप्ति होगी। नालक, गीता में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है और तुझे यही दिखा? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे नालायक, माँ को मार के तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुझे यही दिन देखने के लिए इतना बड़ा किया? बेटा क्या शरीर और आत्मा का लगा रखा है? शरीर है तो फीलिंग है। देख अभी मैं तेरे को मारूंगी तो तुझे लगेगा ना? लगेगा ना? देख तेरा शरीर है ना तो तुझे तकलीफ होगी, आत्मा है तो तुझे कुछ नहीं होगा। देख कुछ हुआ? लगी माँ। तो फिर आत्मा की कहाँ बात आ गई? बेटा शरीर है तो जीवन है, तो ही फीलिंग है। अभी मैंने तेरे को चाटा मारा तो तुझे लगी ना, आत्मा की बात कहाँ आ गई? समझ कुछ समझ। अरे बेटा अभी मेरे को बहुत जीना है, तेरी शादी भी करवानी है, मुझे पोते पोतियों के साथ खेलना है, मुझे दादी बनना है। समझ कुछ बेटा। बेटा मुझे मत मार, मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तू अपनी माँ को तड़पते हुए देख सकता है? बता मुझे। मॉम, मॉम आप चिंता ना करें। जिस प्रकार आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है, उसी प्रकार आप भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करोगे। मॉम नया शरीर धारण करने की तैयारी करें। अलविदा मॉम। नहीं बेटा ऐसा मत करो।
नहीं भाई, मैंने तो मोम का उद्धार कर दिया, स्वर्ग की प्राप्ति करा दी। अबे नालायक, कैसे उद्धार, कैसी प्राप्ति, हम तो अनाथ हो गए। भाई ये सब तो गीता में लिखा है, मैंने तो सिर्फ उसका अमल किया है। वैसे भी वो बुढ़िया कई महीनों से पीछे पड़ी थी, गीता पढ़ी। एक बात कहो, मुझे क्या पता थी गीता में इतना ज्ञान का भंडार है। वो सब कहने की बात होती है, मारने की नहीं। वैसे भी तुझे मोम को मारकर क्या मिला? धन दौलत ऐशो शोहरत कल मोम के पास था, आज मेरे पास है। कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा।